गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे मीनियर्स डिजीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, मीनियर्स डिजीज़ में क्या क्या पैथोलॉजी, क्या मतलब है मीनियर्स डिजीज़ का, ठीक है ना। क्या कहना चाहता है मीनियर्स डिजीज़, ठीक है ना, हमसे क्या कहना चाहता है, मीनियर्स डिजीज़ का राज क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, मीनियर्स डिजीज़ जो है SNHL है। अब SNHL का क्या मतलब, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, डायलेशन ऑफ इंडोलिम्फैटिक सैक हो जाता है, यहाँ पे इंडोलिम्फ जो है ज़्यादा बनने लगता है। अब इंडोलिम्फ क्या होता है, इंडोलिम्फ जब ज़्यादा बनने लगेगा तो वो कंप्रेस करने लगेगा अपनी सराउंडिंग स्ट्रक्चर को, और अगर कंप्रेस किया तो क्या होता है, कभी कभार यूट्रिकल और सैक्यूल तक वो पहुँच जाता है, तो वर्टिगो कॉज करता है, ठीक ना। तो अगर मीनियर्स डिजीज के साथ आप कभी भी अगर आपको एक सिम्टम लिखना हो, वर्टिगो इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ, मतलब कि वर्टिगो जो है मीनियर्स डिजीज के साथ देखा जा सकता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली, राइट। तो हम लोग इसको SNHL के तौर पे लेते हैं। तो अगर मैंने SNHL का मैंने ले लिया, ठीक है ना, मान लिया कि हाँ ये SNHL है, ठीक है ना। तो SNHL में क्या क्या होता है, क्या क्या टेस्ट हम लोग देखते हैं, जैसे रिनीस टेस्ट हो गया, वीवर्स टेस्ट हो गया, आपका एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट हो गया, फिर आपके पास उसके बाद शॉबैक्स टेस्ट हो गया, फिर आपका टिम्पेनोमेट्री पे कौन सा ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा आपका AP/SP रेशियो भी इसमें जो है 4.5 से ज़्यादा होता है, 4.5 कह रहा हूँ, 0.45 से ज़्यादा होता है। तो ये सब पूरी चीज़ें हम लोग बात करेंगे कि क्या कैसे इसमें कैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग सबसे पहली बात, ये इंट्रोडक्शन में इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर है, ठीक है ना। तो ये कहीं और का डिसऑर्डर नहीं, केवल इनर ईयर का डिसऑर्डर है, राइट। दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडोलिम्फैटिक सिस्टम इज डिस्टेंडेड विद इंडोलिम्फ। यहाँ पे बेसिकली जो इंडोलिम्फैटिक सिस्टम है और ये डिस्टेंडेड हो जाता है इंडोलिम्फ के कारण से, ठीक है ना। तो इंडोलिम्फ इज सेक्रेटेड बाय स्ट्राया वैस्कुलारिस। इंडोलिम्फ जो होती है, जैसे आप लोग जितने अगर अपने इनर ईयर की एनाटॉमी अगर पढ़ी होगी, तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे कहीं ये जो है होता है, ये स्ट्राया वैस्कुलारिस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बेसिकली यहीं से आपका इंडोलिम्फ का सिक्रीशन होता है। तो ये इंडोलिम्फ जो होता है स्ट्राया वैस्कुलारिस से सिक्रीटेड होता है, और फिल्स द मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। ये मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ है, बाहर वाले बोनी, अंदर वाला इंडोलिम्फ, इंडोलिम्फ में कौन सा मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ, ठीक है ना। तो ये फिल कर देगा मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ को, एब्जॉर्ब थ्रू इंडोलिम्फैटिक सैक, और ये कहीं ये एक इंडोलिम्फैटिक सैक से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका भी एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं नोन है, ठीक है ना। और मीनियस डिजीज का एक दूसरा नाम होता है, इसको कहते हैं इंडोलिम्फैटिक हाइड्रॉप्स, क्योंकि इंडोलिम्फैटिक के दिक्कत के कारण से होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, इंडोलिम्फैटिक हाइड्रॉप्स। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि इंडोलिम्फैटिक में के अगर सेक्रीशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, ठीक है ना, जाए तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, जाए तो उसका अब्सॉर्प्शन कम हो जाए, तो क्या होता है कि डायलेशन हो जाता है मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ का, और डायलेशन होगा मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ का तो क्या होगा, अपना मीनियस डिजीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्रोडक्शन किस किस केस में बढ़ सकता है, ठीक है ना, प्रोडक्शन किस किस केसेस में बढ़ सकता है। तो प्रोडक्शन हो सकता है कि हाँ, कुछ हमारा सोडियम का रिटेंशन हो गया, वाटर का रिटेंशन हो गया ड्यू टू वेरियस कॉजेज, तो उसके कारण से हमारा प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है सोडियम और वाटर के रिटेंशन के कारण से, और उसी कारण से अपना क्या होता है कि अपना मीनियस डिजीज हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इसकी पैथोलॉजी की हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो डिस्टेंशन ऑफ इंडोलिम्फैटिक सिस्टम ड्यू टू इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ इंडोलिम्फ, यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंशन हो जाता है इंडोलिम्फैटिक सिस्टम का ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ इंडोलिम्फ, ठीक है ना। बात करता हूँ, द कॉक्लियर डक्ट डायलेट्स एंड कम्प्लीटली फिल्स द स्काला वेस्टिबुलाय। जो अपनी कॉक्लियर डक्ट होती है, वहाँ पे जो कॉक्लियर डक्ट होती है वो जो होती है डायलेट हो जाती है और कम्प्लीटली फिल कर देती है स्काला वेस्टिबुलाय को, ठीक है ना, जो ऊपर वाली वो होती है, ठीक है ना। और विथ मार्क बल्जिंग ऑफ रीजनस मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे बल्जिंग हो जाएगी रीजनस मेम्ब्रेन की। रीजनस मेम्ब्रेन ये ऊपर वाला मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, ये वाला मेम्ब्रेन जो होता है ये रीजनस मेम्ब्रेन होता है। तो अगर यहाँ पे अगर फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये फुल बल्ज कर जाएगी, ठीक है ना। तो जो है कॉक्लियर डक्ट डायलेट हो जाता है, कम्प्लीटली फिल कर देता है स्काला वेस्टिबुलाय को, और मार्क बल्जिंग ऑफ रीजनस मेम्ब्रेन देखने को मिल जाता है अपने को, ठीक है ना। इटियोलॉजी क्या क्या होगी, कैन बी ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंडोलिम्फ, ठीक है ना, इंक्रीज प्रोडक्शन के कारण या इसके डिक्रीज अब्जॉर्प्शन के कारण। दिस कैन रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्टिव अब्जॉर्प्शन बाय इंडोलिम्फैटिक सैक, अभी इंडोलिम्फैटिक सैक ठीक से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। फूड और इनहेलेंट एनर्जी, किसी फूड या इनहेलेंट एनर्जी के कारण से हो सकता है, ठीक है ना।
और ऑटो इम्यून प्रोसेस, कोई ऑटो इम्यून प्रोसेस के कारण से ही हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो गया कोई, या कोई स्ट्रेस हो गया बंदे को, या सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, या हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये सब कॉज हो सकते हैं, ठीक है ना। कि सोडियम वाटर रिटेंशन के कारण से क्या हो सकता है कि अपना इंडोलिम्फ ज़्यादा बढ़े, और इंडोलिम्फ ज़्यादा बनेगा तो दिक्कत होगी चीज़ों को, ठीक है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, ठीक है ना, और क्या होगा, स्ट्रेस होगा, वैसोवेटर डिस्टर्बेंस होगा, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ऑटो इम्यून प्रोसेस हो सकता है, डिफेक्टिव अब्जॉर्प्शन हो सकता है बाय इंडोलिम्फैटिक सैक, तो ये सब कारण हो सकते हैं एटियोलॉजी में। डिफेक्टिव अब्जॉर्प्शन, फूड और इनहेलेंट एनर्जी, ठीक है ना, ऑटो इम्यून प्रोसेस हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, सोडियम वाटर रिटेंशन हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है इसकी एटियोलॉजी हो सकती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसकी क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या होगा, एपिसोडिक वर्टिगो होगा, ठीक है ना। बेसिकली क्या हुआ कि मान ले कि यहाँ पे एपिसोडिक वर्टिगो देखने को मिलता है, डायलेशन हो गया, कुछ देर बाद फिर से एब्जॉर्प्शन हो गया, कुछ दिक्कत हुआ फिर एब्जॉर्प्शन हो गया, तो एपिसोडिक वर्टिगो होगा, कोई कंटिन्यूस वर्टिगो नहीं होता है, यहाँ पे एपिसोडिक वर्टिगो होता है। फ्लक्चुएंट हियरिंग लॉस होता है, ठीक है ना, फ्लक्चुएंट हियरिंग लॉस होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो मेम्ब्रेनस लैबरिंथ, जैसे अब इसकी पैथोलॉजी हम लोग कायदे समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे देखो कोई मैं एक न्यू पेज मतलब फ्रेश पेज बनाता हूँ इसको, ठीक है ना। हाँ देखो देखो क्या होता है बेसिकली इसमें मीनियस डिजीज में, इसका मेन जो इसका क्या होता है, ठीक है ना, ये आपका ये इनर ईयर की वो है, ठीक है ना। मैं बहुत ही रफ डायग्राम बनाऊंगा समझना खाली। ये मान लो बेसिलर मेम्ब्रेन है आपका, ये स्ट्रैवास्कुलरिस है, ठीक है ना। स्ट्रैवास्कुलरिस से आपका इंडोलिम्फ सेक्रेट होता है, इंडोलिम्फ सेक्रेट हो गया, ठीक है ना। अब ये रीजनस मेम्ब्रेन है, अब क्या होगा, इंडोलिम्फ बढ़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको ये प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा तो ये क्या करेगा, बल्ज कर जाएगा जो ये रीजनस मेम्ब्रेन है। अब बल्ज करके ये होता है फट जाता है, फट जाता है, ठीक है ना। फट गया तो ये जो पेरिलिम्फ है, पेरिलिम्फ है और इंडोलिम्फ है, जैसे ये इंडोलिम्फ है, अंदर वाला तो इंडोलिम्फ होता है ना, और बाहर वाला पेरिफिलिम्फ होता है, क्योंकि बाहर वाले बोनी लैबरिंथ होते हैं, अंदर वाले मेम्ब्रेनस लैबरिंथ होते हैं। तो ये जो है, ये जो है इसके फटने के कारण से पेरिलिम्फ और इंडोलिम्फ जो है मिक्स कर जाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों मिक्स कर गए तो क्या होगा, यहाँ पे हियरिंग लॉस हो जाएगा, हियरिंग लॉस होगा, और यहाँ पे इन दोनों के मिक्सिंग कारण वर्टिगो होगा। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, ये जो रीजनस मेम्ब्रेन है ये ऑटोमेटिकली रिपेयर कर जाती है, रिपेयर कर गई तो ये फिर से पेरिलिम्फ ये पूरा सेपरेट हो गया, ये इंडोलिम्फ सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये एपिसोडिक हो गया, यहाँ पे एपिसोडिक वर्टिगो, जब हील करेगा वर्टिगो भी नहीं आएगा, और जब हील किया तो फ्लक्चुएंट हियरिंग लॉस होगा, मतलब कि एपिसोडिक हियरिंग लॉस होगा। तो ये इसी कारण से फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस या आपका एपिसोडिक वर्टिगो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए, ठीक है ना। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या होंगे, एपिसोडिक वर्टिगो या फ्लक्चुएट हियरिंग लॉस, ठीक है ना। लोअर फ्रीक्वेंसी ये जो होता है ये एपिक्स ऑफ कॉक्लिया पे होता है, जैसे आप लोग कॉक्लिया समझते हो, ये इसका बेस होता है कॉक्लिया का, ये बेस होता है, ये एपिक्स होता है कॉक्लिया का, दिस इज एपिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है लोअर फ्रीक्वेंसीज जो एपिक्स पे होती है, एपिक्स पे लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो लोअर फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं अर्ली स्टेजेस पे, ठीक है। टिनिटस देखने को मिलता है, ठीक है, रिंगिंग साउंड टिनिटस देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑरल फुलनेस भी देखने को मिलता है, सेंस ऑफ फुलनेस इन प्रेशर इन द मिडिल ईयर, तो यहाँ पे ऑरल फुलनेस होता है। तो एग्जामिनेशन पे क्या क्या देखेंगे, ट्यूनिंग फॉग टेस्ट में देखेंगे सबसे पहले रिनीज की बात करेंगे, तो रिनीज यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। वीबर्स यहाँ पे क्या होगा, SOC, लैटराइज टू अपोजिट ईयर होगा, ठीक है ना, लैटरलाइज टू बेटर ईयर, मतलब कि बेटर ईयर कौन सा होगा, अपोजिट वाला जिस ईयर में हुआ वो तो खराब ईयर होगा ना, बेटर ईयर पे लैटरलाइज होगा। ABC एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट जो होगा अपना शॉर्ट इन हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज बोन कंडक्शन कम होगी क्योंकि SNHL है, ठीक है ना। अब निस्टैग्मस ड्यूरिंग एक्यूट अटैक में क्या होगा, निस्टैग्मस भी आपको देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करोगे, अगर प्योटोन ऑडियोमेट्रिक करोगे तो ये भी गैप नहीं दिखेगा, और राइजिंग टाइप ऑफ कर्व ऐसे ऊपर उठता हुआ कर्व दिखेगा। स्पीच ऑडियोमेट्री डिस्क्रिमिनेशन स्कोर इज लेस, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन स्कोर जो होता है वो बहुत ही कम होता है स्पीच ऑडियोमेट्री में। इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी में जो होता है SP/AP रेशियो जो है 30% से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। कैलोरिक टेस्ट दोगे तो रिड्यूस रिस्पॉन्स ऑन द अफेक्टेड ईयर, तो कैलोरिक टेस्ट पे जो है रिड्यूस रिस्पॉन्स होगा। ग्लिसरॉल टेस्ट में इंप्रूवमेंट इन ऑडियोग्राम आफ्टर इनटेक ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है ना। ग्लिसरॉल अगर इनटेक दोगे उस बंदे को, अगर ग्लिसरॉल दोगे तो जो है आपका रिड्यूस रिस्पॉन्स, मतलब कि इम्प्रूवमेंट दिखाएगा आपका किस पे,
ऑडियोग्राम पे। अब क्यों ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जो होता है क्यों ये इम्प्रूवमेंट दिखाता है ऑडियोग्राम पे, बिकॉज देखो ग्लिसरॉल जो होता है, ग्लिसरॉल इज बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक इज नेचर, इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है ना। अब हाइग्रोस्कोपिक नेचर है तो इंडोलिम्फ को वो कम कर देगा, इंडोलिम्फ को कम के डिक्रीज बटाएगो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एसपी बाय एपी रेशियो को हम लोग कहते हैं 0.45% से ज्यादा होता है, 0.45% से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये आई एम सॉरी थोड़ा सा ही गलत हो गया था, 0.45% से ज्यादा होता है, ठीक है ना। और ग्लिसरॉल जो है हाइग्रोस्कोपिक होता है तो ये इंडोलिम्फ को कम करेगा, वटाइगो कम करेगा, इम्प्रूव कर देगा, इम्प्रूवमेंट इन ऑडियोग्राम, और स्पेशल ऑडियोमेट्री टेस्ट कुछ लगाएंगे। तो ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, ट्रीटमेंट में जनरल मेजर्स में रीअश्योरेंस करवाओगे कि हाँ बंदा ठीक हो जाएगा अपने आप, बिकॉज अपने आप ही तो ठीक होता है इधर ना, क्योंकि रीजनस मेम्ब्रेन अपने आप ही तो करेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। रीअश्योरेंस दोगे, सॉल्ट इंटेक कम कराओगे, अगर सॉल्ट इंटेक कम कराओगे तो ऑटोमेटिकली इंडोलिम्फ का प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा। स्टॉप स्मोकिंग स्टॉप कराओ, स्टॉप इनटेक ऑफ कॉफी टी अल्कोहल, ये सब भी क्या होता है, कैफीन जो होता है बेसिकली रिटेंशन कराता है वाटर का, तो दिक्कत हो जाता है बंदे को, ठीक है ना। अवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस बंदे को कहो कि स्ट्रेस अवॉइड करो अपनी लाइफ में। अब आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप लोग की लाइफ में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, तो आपको मीनियस डिजीज होने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है ना। तो कभी भी आपको अगर फ्लक्चुएंट हीरिंग लॉस सुनाई दे कि रात में बर्थडे मन रहा है और आपके कमरे में आवाज़ आ रही है और धीरे धीरे मतलब कि एक एक बार हैप्पी फिर आ रहा है, फिर बर्थडे की जगह नाम उसका आ रहा है, तो समझ जाओ आपको दिक्कत है, मीनियस डिजीज है, ठीक है ना। तो अवॉइड स्ट्रेस, अवॉइड एक्टिविटीज रिक्वायरिंग गुड बॉडी बैलेंस लाइक वर्किंग एट ग्रेटर हाइट्स, ठीक है ना। तो अगर बॉडी बैलेंस जहाँ पे जो जिन एक्सरसाइज में आपका बॉडी बैलेंस का ज़्यादा जरूरत पड़ता है उन एक्सरसाइज को थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है ना। अब एक्यूट अटैक के लिए क्या ट्रीटमेंट देंगे, रीअश्योरेंस अगेन, बेड रेस्ट देंगे, वेस्टिबुलर सेडेटिव्स देंगे जैसे कि डाइफेनहाइड्रामिनेट देंगे, प्रोमेथाजीन देंगे, क्लोरपेराजीन दे देंगे, डाइजी पाम दे देंगे, ड्रॉपिंग दे सकते हैं, वेस्टिबुलर सेडेटिव्स होते हैं जो, वैजोडायलेटर्स दे सकते हैं जैसे इनहेलेशनल कार्बोजेनिया, हिस्टामाइन ड्रिप दे देंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, क्रोनिक फेज का अगर मैं बात करूँ तो वेस्टिबुलर सेडेटिव्स अगेन, क्लोरपेराजीन दे सकते हैं, वैजोडायलेटर्स दे सकते हैं, डायूरेटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं इंडोलिम्फ का प्रोडक्शन। अवॉइड एलर्जेंस, करेक्शन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म बिकॉज इट्स वन ऑफ द इटियोलॉजिकल कॉजेज, इंट्रा टिम्पैनिक जेंटामाइसिन की थेरेपी दे देंगे जो कि केमिकल लैबरिंथेक्टमी कर देगा और दिक्कत जो है उसकी कम कर देगा। सर्जिकल मैनेजमेंट में कंजर्वेटिव प्रोसीजर लाइक क्लियरिंग कंपोनेंट इज प्रिजर्व, ठीक है ना, कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स कुछ करेंगे और उसमें कॉक्लियर कंपोनेंट को प्रिजर्व कर लेंगे। तो डीकम्प्रेशन सर्जरी कर देंगे इंडोलिम्फेटिक सैक का, जाके अंदर थोड़ा सा पार्ट हटा देंगे चीज़ों को, तो इंडोलिम्फेटिक शंट ऑपरेशन कर सकते हैं, सैक्लोटॉमी कर सकते हैं, सेक्शन ऑफ वेस्टिबुलर नर्व कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टिबुलर लैबरिंथ, अल्ट्रासोनिक उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया हमने वेस्टिबुलर लैबरिंथ का। डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर में डिस्ट्रॉय बोथ कॉक्लिया एंड वेस्टिबुलर फंक्शन, डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर में दोनों कॉक्लिया और वेस्टिबुलर फंक्शन दोनों को खत्म कर दिया। इंटरमीडिएट लो प्रेशर पल्स थेरेपी दे सकते हैं, मैनी डिवाइस थेरेपी, ठीक है ना। तो ये सब भी चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इतना याद रखो कि हाँ दो, अगर सर्जिकल मैनेजमेंट दो चीज़ें याद रखनी, तो डिकम्प्रेशन ऑफ इंटरलिम्फेटिक सैक याद रखो, और ये अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टिबुलर लैबरिंथ और इंडोलिम्फेटिक स्टंट ऑपरेशन, अगर इतना याद है तो बहुत याद है, ठीक है ना। और डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर भी याद रख सकते हो कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर में दोनों कॉक्लियर और वेस्टिबुलर फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बेसिकली एक मैं इसका आपको ये दिखा देता हूँ कि समझा देता हूँ कि क्या होता है बेसिकली। अब देखो अब पूरा चीज़ शुरुआत से एक इसका समरी सुन लो कि यहाँ पे बेसिकली मिनियर डिजीज की में क्या होता है कि इंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स होता है, ठीक है ना। इंडोलिम्फेटिक ड्रॉप्स में क्या होता है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ गया या एब्जॉर्प्शन कम हो गया, ठीक है ना, प्रोडक्शन हो सकता है बढ़ जाए या एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा कि डायलेशन ऑफ मेम्ब्रेनस लैबरिंथ हो गया। अब डायलेशन ऑफ मेम्ब्रेनस लैबरिंथ से क्या होगा कि रेजनस मेम्ब्रेन जो है डायलेट कर जाएगी, तो इसी के क्या होता है कि एपिक्स जो होता है कॉक्लिया का वहाँ पे भी दिक्कत हो कुछ हो जाती है, तो वो स्काला मीडिया वाली दिक्कत होती है एपिक्स ऑफ कॉक्लिया पे, क्योंकि वो होती है, ठीक है।
और डायलेशन ऑफ जो होता है सेक्यूल हो जाता है, ठीक है। डायलेशन ऑफ सेक्यूल और डायलेशन ऑफ यूट्रिकल भी वहाँ पे बेसिकली मीनियस डिजीज में हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि एंडोलिम्फैटिक बढ़ी तो डायलेशन होगा, तो रप्चर ऑफ रीजनस मेम्ब्रेन होगा, तो जो है एंडोलिम्फ और जो आपका पेरिलिम्फ है वो मिक्स कर जाएगा, तो सडन चेंज इन प्रेशर हो जाएगा। अब सडन चेंज इन प्रेशर होता है तो क्या होता है, वटाइगो होता है, तो वटाइगो जो है इंटरमिटेंट होता है, और उसी तरीके से आपका हियरिंग लॉस भी उसी तरीके से आपका जो होता है वो इंटरमिटेंट टाइप का या फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें टिनिटस वगैरह, रिंगिंग सेंसेशन, साउंड भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ इसके कि डायलेशन, इसमें एक डायलेशन ऑफ यूट्रिकल एंड सेक्यूल का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो अगर डायलेशन अगर इनसाइड होता है, ठीक है ना, डायलेशन ऑफ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, तो डायलेशन ऑफ यूट्रिकल एंड सेक्यूल ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। जो आपको अगर एग्जाम के लिए आप खाली प्रिपेयर कर रहे हो प्रोफेशनल एग्जाम के लिए, तो वह प्रोफेशनल एग्जाम के कंसर्न से पहले केवल बता रहा हूँ, ठीक है। डायलेशन कर देता है, डायलेशन इनसाइड, और एक होता है डायलेशन आउटसाइड, ठीक है। डायलेशन इनसाइड में क्या होगा, मैक्यूलर मेम्ब्रेन का डिस्टॉर्शन हो जाएगा, और डायलेशन आउटसाइड में लाउड साउंड के ऊपर दिक्कत होगा, और इसी को मैक्यूलर मेम्ब्रेन के डिस्टॉर्शन से इसी को क्या कहते हैं, ड्रॉप क्राइसिस कह देते हैं, ड्रॉप क्राइसिस, ऐसी को क्या कहते हैं, टुमार्किन क्राइसिस। तो पेशेंट सडनली फॉल्स विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, लाउड साउंड्स के कारण से स्टेप्स जो होता है टच कर देता है यूट्रिकल सेक्यूल को, और इसी के कारण से होता है वटाइगो ऑन लाउड साउंड्स, और इसी को क्या कहते हैं अपन, हेनेबर्ट साइन भी कहते हैं, हेनेबर्ट साइन भी कहते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, इसको वटाइगो लाउड साउंड को ये कहते हैं आपका, क्या नाम है इसका, हेनेबर्ट साइन तो वो हो गया वटाइगो ड्यू टू प्रेशर, ठीक है ना। इसको कहते हैं टूलियोस फिनोमेना, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है इंसानों में भी, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, टूलियोस फिनोमेना कहते हैं, और हेनेबर्ट साइन को वटाइगो ड्यू टू प्रेशर कहते हैं, वटाइगो ड्यू टू प्रेशर हो जाता है बिकॉज, ठीक है ना, हेनेबर्ट साइन में वटाइगो किसके कारण से होता है, प्रेशर के कारण से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट भी बेसिकली मेनियस डिजीज में प्रेजेंट होता है। रिक्रूटमेंट जो होता है ये आपका, मतलब कि हर एक मतलब कि डेसिबल पे आपका जो है आपको साउंड में चेंजेस समझ में आते हैं कि हाँ, कि हर डेसिबल का इंक्रीमेंट में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हाँ डेसिबल इंक्रीज हुआ, जबकि नॉर्मल पर्सन में ऐसा कॉमन नहीं है, ठीक है ना। और उसी को सीसी से टेस्ट करते हैं, जैसे शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी स्कोर, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखो कि अगर इन्वेस्टिगेशन में लगाऊँ मिनियर्स का, तो एमआरआई इज द इन्वेस्टिगेशन, एमआरआई से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक गैडोलिनियम इन्हांसमेंट कॉन्ट्रास्ट लेते हैं, गैडोलिनियम इन्हांस्ड कॉन्ट्रास्ट जो हम लोग होता है ये लेते हैं। तो ये बेसिकली अगर हम लोग उसके बाद इसका स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, तो दोनों जगह चला जाएगा कॉन्ट्रास्ट। अगर नॉर्मली देखेंगे तो खाली पेरिलिम्फ में वो रहेगा कॉन्ट्रास्ट जो है, ठीक है। ट्रांसटिम्पैनिकली दिया तो पेरिलिम्फ में केवल रहेगा, ठीक है ना। बिकॉज हम लोग अगर राउंड विंडो के थ्रू जाते हैं तो वेस्टिबुलर, मतलब कि स्काला वेस्टिबुलाई में ही देंगे, तो पेरिलिम्फ में ही रहना चाहिए। लेकिन अब जो है रीजनल मेम्ब्रेन फट गया तो दोनों में रहेगा, मिक्सचर हो जाएगा पेरिलिम्फ और इंडोलिम्फ का, तो बोथ कंपार्टमेंट्स में दिखेगा। तो यही चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गैडोलिनियम इन्हांसमेंट कॉन्ट्रास्ट भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा इंट्रैक्टेबल वर्टाइगो का भी कॉन्सेप्ट रहता है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सुन लो क्या होता है। इंट्रैक्टेबल वर्टाइगो बेसिकली नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिकेशंस, अगर मेडिकेशन को रिस्पॉन्स नहीं किया और हीरिंग गुड है तो सेलेक्टिव वेस्टिबुलर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। जेंटामाइसिन दे दिया हमने, केमिकल लेब्रेंथेक्टमी कर दिया, वेस्टिबुलर न्यूरेक्टमी कर दिया,
और जेंटामाइसिन कैसे देते हैं, माइक्रोबिक थ्रू राउंड विंडो दे सकते हैं, ठीक है ना, और यही सब चीज़ें होती है। और मीनियस डिजीज में इंडोलिम्फैटिक जो है डिकम्प्रेशन, सैक डिकम्प्रेशन कर सकते हैं, ठीक। और इंडोलिम्फैटिक जैसा आपको पता है कि पेरिओस्टियल लेयर और मेनिजियल लेयर के बीच में होता है ड्यूरा मैटर के, तो वहाँ पे अगर डिकम्प्रेशन देखना हो तो हमें क्या करना है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ बोन वहाँ से रिमूव कर लेंगे अबव द सैक, तो सैक जो है एक्सपैंड कर सके, ठीक है। इसलिए तो वाइल्ड इंसीजन देते हैं मैकीवान ट्रायंगल में, वाइल्ड इंसीजन देते हैं। तो मैकीवान ट्रायंगल बेसिकली कहाँ होता है, जैसे मेस्टॉइड मान लो ये, ठीक है ना, ये तुम्हारा मेस्टॉइड मान लो, और ये तुम्हारा हो गया एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, और ये तुम्हारा क्या है जो है, ये तुम्हारा हो गया सुपीरियर मीडियल या टेम्पोरल लाइन, टेम्पोरल बोन की लाइन हो गई, और यहाँ पे कहीं आपका होता है मैकीवान ट्रायंगल, ठीक है ना, ये आपका होता है मैकीवान ट्रायंगल, ठीक। तो अगर हमने देखना है कि मैस्टॉइड एंट्रम से अगर हमने जाना है, मैकीवान ट्रायंगल के थ्रू देते हैं, ठीक है, जो ट्रांस मैस्टॉइड एंट्रम के थ्रू मैस्टॉइड एंट्रम में जाएंगे, विजुअल पार्ट में देखेंगे तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि डिसेंडिंग पार्ट ऑफ फेशियल नर्व देखने को मिलती है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर में, और लेटरल मतलब कि लेटरल सेमी सेंट्रल कनाल का बल्ज दिखता है हम लोग मिडिल ईयर में अगर देखते हैं, ठीक है ना। ऑन फर्दर ड्रिलिंग जाएंगे तो पोस्टीरियर कैनाल फोसा में जाएंगे, तो इन पोस्टीरियर कैनाल फोसा में क्या होता है कि लैटरल पोस्टीरियर सुपीरियर सेमी सर्कुलर कनाल अपने को दिखने लगते हैं, और इमेजिनरी लाइन हमने मान लिया जैसे लैटरल सेमी सर्कुलर कनाल है तो वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन मान लिया, ठीक है ना। अब इसके नीचे जो होता है इमेजिनरी लाइन जो है लैटरल सेमी सर्कुलर कनाल के, तो यहाँ पे इंडोलिम्फैटिक सैक होती है, ठीक है ना। और जो है तो ये एक चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, और अगर इसी को काट देते हैं तो दिक्कत कम हो जाती है, और इसके ऊपर ही से काट देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बात रही मीनियस डिजीज की, आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा, जितना मैंने पढ़ाया जहाँ तक लिखा था मैंने उतना इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा अगर मैंने पढ़ाया जो अगर वो आप समझ ले तो ठीक, नहीं समझ पाते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।